नमस्कार, प्रस्तुत है मैथ्स फॉर ओलंपियाड सीरीज की 12वीं वीडियो। और इस वीडियो में जो हमने प्रश्न लिया है वो ये है, इफ एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स इक्वल टू टू, देन द वैल्यू ऑफ 8x³ प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब इज 48, 88, 44। तो इसे सॉल्व करने से पहले हम लोग एक आइडेंटिटी को रिकॉल करेंगे। वो आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी आइडेंटिटी का यूज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्स प्लस वन बाई टू एक्स इक्वल टू टू, जो ये गिवन इक्वेशन हमारा है उसी को हम ले रहे हैं। अब क्या करें हैं, बोथ साइड यानी एलएचएस और आरएचएस दोनों को हम दो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये टू इंटू एक्स प्लस वन बाई टू एक्स इक्वल टू टू इंटू टू। हम लोग जानते हैं कि अगर बोथ साइड हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं या प्लस करते हैं यानी ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो इक्वेशन का वैल्यू सेम रहता है। तो यहां हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों साइड को, तो ये क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस वन बाई एक्स, यहां टू से मल्टीप्लाई होगा तो ये टू कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू फोर। ठीक है, अब चलिए, अब जिसका वैल्यू हमें निकालना है उसे लेते हैं, ये वाला एट एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब स्क्वल टू टू एक्स होल क्यूब प्लस वन बाई एक्स होल क्यूब। अब देखिए, ये हमारा इस आइडेंटिटी के फॉर्म में आ गया। यहां ए था, ए की जगह यहां पर है टू एक्स, और यहां b की जगह है वन बाई एक्स। तो बस इसका जो राइट साइड में है RHS है वहां हम इसका वैल्यू पुटअप करेंगे। तो यहां है a प्लस बी होल क्यूब, तो a की जगह हम यहां से जब कंपेयर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल क्यूब माइनस 3 इंटू टू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स इंटू टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। हमने क्या किया है कि वो जहां जहां a था वहां 2x रखा, जहां जहां b था वहां 1 अपॉन एक्स रख दिया। अब चूंकि हमने 2x प्लस 1 अपॉन x का वैल्यू यहां पहले से ही निकाल लिया है, वो वैल्यू हम यहां पुटअप कर देंगे। तो ये हो गया 4 क्यूब माइनस, और ये देखिए ये x और x कैंसिल हो गया है, तो ये हो गया 3 इंटू टू 6 इंटू ये 4 हो जाएगा 4, तो ये हो गया 4 क्यूब होता है 64 माइनस 6 इंटू 4 हो गया 24। तो हमारा जो वैल्यू निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, 40। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये सी जो ऑप्शन है वही हमारा आंसर है।